अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ अर्जुक आजमी और आप देख रहे हैं जी पॉइंट ऑफ व्यू। हमें ज्वाइन किया साजिद तार साहब ने, बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच सर। पेट्रोल प्राइस एक बार फिर बढ़ा दी है, डॉलर रेट काबू में नहीं आ रहा इनके, और वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ये भी कह रहे हैं कि मीडिया हाइप है जी, कोई खास परेशानी की बात नहीं है, लेकिन मीडिया शोर मचा रहा है। और उसके साथ साथ जैसे आपने देखा है कि डॉक्टर शमशाद ने जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें बात की थी, उस पर भी हम आपसे पूछना चाहेंगे। परवेज इलाही साहब को रिहा करके फिर पकड़ लिया है, तो आप क्या कहेंगे सर इन चीजों पे? आरजू, मैं आज हैरान कम और परेशान ज्यादा हूं। उसकी वजह यह है कि आज जो आपने बातें की हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आपने देखा है कि डॉलर जो इस वक्त के डॉलर की हालात क्या चल रहे हैं। डॉलर बिल्कुल 326 पे जा चुका है, और यहां याद कराना चाहूंगा कि आप श्रीलंका की लाइन से आगे जा चुके हैं। श्रीलंका में जब वो बैंकक्रप्ट हुआ था तो उसमें वहां डॉलर इतना महंगा नहीं था, आपने वो उससे उसको क्रॉस कर चुके हैं। और जो मुझे होता नजर आ रहा है इसी महीने या अगले महीने के अंदर अंदर या तो एमरजेंसी नजर आ रही है या बैंकरप्सी नजर आ रही है, इन दोनों में से कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि हालात जो है वो बहुत ही ज्यादा तश्वीशनाक हैं। और मैं यहाँ पे उसका रेफरेंस दूंगा डॉक्टर शमशाद साहिबा का, के जो कि बहुत हाईली एजुकेटेड और वेरी वेल इकोनॉमिस्ट है। उन्होंने जाके जो स्टेटमेंट दी है सेनेट की कायमा कमेटी में सलीम मांडवी साहब के सामने, कि उन्होंने कहा है कि जो लोग बातें कर रहे हैं दर हकीकत इकॉनमी के हालात उससे ज्यादा बदतर है। और अगर मुझे पता होता कि हालात इंटरनल ये हैं तो मैं ये पोजीशन पर आती ही ना। ये आपका अगर सिटिंग फाइनेंस मिनिस्टर अगर ये स्टेटमेंट दे तो कौम को मेरे ख्याल में परेशान होना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर बताऊंगा आपको, लूट मार जारी है, फ्रॉड चल रहा है, उसका बाजार सरेआम गर्म है। वो मैं उसकी मिसाल भी दे देता हूं। मेरे जो कायद एक सरदारी साहब हैं वो दुबई जा चुके हैं, उनको मशवरा दिया गया कि आप वहीं कुछ कयाम करें, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले एक खबर गर्दश कर रही थी कि 14 मिनिस्टर जो है पिछले कैबिनेट के वो उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन है करप्शन की, और उनमें से पकड़ा जाएगा। वो काबीना के वो मेंबर भी भागकर दुबई जा चुके हैं, और गए जो है वो एजेंसियों की मर्जी से गए हैं, वो कश्तियों से नहीं गए, जहाजों पे उड़ के गए। तो दर हकीकत उनको जाने का मौका दिया जा रहा है, लूट मार की जा रही है मुसलसल। और मेरे मेरे मादरे मिल्लत के अंदर इस वक्त करप्शन का जो रेट है, मेरे जो ब्रिटिश जूनियर एजेंट हैं, जो सीएसएस ऑफिसर हैं, वो डॉलरों और पाउंडों में ले रहे हैं रिश्वत। इस वक्त रुपयों को वो भी हाथ नहीं लगाते। जो दूसरी एक और खबर जो गर्दश में आ रही है कि जो मनी एक्सचेंज वाले हैं उनको बंद किया जा रहा है, उनको 3-3 महीने का नोटिस दिया जा रहा है, उसको बंद किया जा रहा है। जो डॉलर और पाउंड और जो फॉरेन करेंसी को हैंडल आपके रेगुलर जो बैंक हैं वो किया करेंगे। तो आज जो मैं जो दर हकीकत बात ये करना चाह रहा था कि आप श्रीलंका के से तो श्रीलंका से भी ऊपर जा चुके हैं डॉलर के हवाले से, आपके ब्रादर मुल्क जो जो आपने अपना मुल्क तबाह जिनके लिए किया है अफगानिस्तान के लिए, और जो आज अभी भी 2.2 मिलियन टिकिंग बॉम्ब्स इन पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे हैं, आपके शनाख्ती कार्ड और आपके पासपोर्ट लेकर, उनके मुल्क की करेंसी इस वक्त $1 के 81 अफगानी है। उनकी भी आपकी इकॉनमी जो के फॉरेन एजुकेटेड नहीं है, उनके फाइनेंस मिनिस्टर, उनके जो वजीरे जो तालिबान के हेड हैं वो ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड के नहीं पढ़े, और मेरे वतन अजीज के हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है वो इस मुल्क गरीब मुल्क के खर्चे के ऊपर ऑक्सफोर्ड से और हार्वर्ड से पढ़ के आया हुआ है। अब मेरे जैसा बंदा यहां रोए या चीखे क्या करे कि तालिबान जो है जो आज तक अफगानिस्तान से बाहर नहीं गए वो भी अपने मुल्क को आपसे बेहतर तरीके से चला रहे हैं। हमारे जैसा बंदा बात करे तो कहते हैं ये पाकिस्तान बैशिंग कर रहा है। और दूसरा नहीं, इसमें आगे एक और चीज, मैं अभी मैं माजरत चाहूंगा आरजू, मैं अभी अभी मेरा मेरा बयानिया खत्म नहीं हुआ। मेरी मैंने 5 सजेशन रखी है इस वक्त की केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए, और यहां पर यह बताना चाहूंगा उससे पहले कि डॉक्टर शमशाद जो हैं उनकी इस वक्त इंटरनल एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू इस वक्त है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर। वहां पे एक डॉक्टर वकार थे जो कि डार साहब के इसहाक डार साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं। मैडम ने जिस दिन पहले दिन चार्ज लिया था तो उन्होंने कहा था कि इनके ऑफिस को लॉक कर दिया जाए, आइंदा ये इस ऑफिस में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में नहीं बैठेंगे, ये कहीं और ही बैठेंगे, और वो अब वजीर आजम हाउस में बैठते हैं।
आपके इंटरनल हालात ये हैं कि आपको सामने गड़ा नजर आ रहा है, फिर भी आप जाती लड़ाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर इकोनॉमिक मिनिस्टर और आपके वो जो डॉक्टर वकार है वो एडवाइजर हैं टू आप फाइनेंस, अगर आपके एडवाइजर और मिनिस्टर इस तरीके से जो लड़ रहे हैं आपस में, उसमें कौम की क्या भलाई नजर आ रही है, पाकिस्तान की क्या भलाई नजर आ रही है। अब जो मैंने पांच सजेशन रखी है, और उसके बाद मैं जिस तरह मैं बताना चाहूंगा आपको, पांच सजेशन ये थी, मैं इनको फ्रांस की मिसाल देना चाहता हूं। फ्रांस के अंदर एक इस वक्त बहुत बड़ी लड़ाई चल रही थी पिछले दिनों में कि उन्होंने वहां पे पेंशन के जो है एज उसको बढ़ा दिया था, वो टैक्सेस को बढ़ा दिया गया। तो मेरी नजर से फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन और वहां पे उनके जो लोगों के राइट्स हैं वो मेरी नजर से गुजरे, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन है कि टैक्स बढ़ाने से पहले, अवाम के ऊपर टैक्स बढ़ाने से पहले उनकी इनकम बढ़ानी होती है ताकि अवाम अफोर्ड कर पाए, अवाम उसको बर्दाश्त कर पाए। तो ये पाकिस्तान में क्यों नहीं पॉसिबल, ये क्यों नहीं देखा जाता कि पहले सर्वे कराया जाए कि कौम ये अफोर्ड भी कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब मैं मिसाल देना चाहूंगा कि आपकी डीजल की प्राइस जो है पेट्रोल से ज्यादा कर दी गई है, और डीजल क्या है, वो आपकी एक मेन आर्टरी है, उससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बल्कि एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर जो है वो भी डीजल पे चलता है, और इस वक्त डीजल की प्राइस जो है पेट्रोल की 305 है, डीजल की 311 है, और आपकी बिजली है वो 90 रुपए तक ले जाने की कोशिश की जा रही है पर यूनिट। तो उसमें सबसे पहले ये क्यों नहीं देखा जाता कि आइदर ये कौम अफोर्ड कर सकती है, लोग अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर ये करें, अगर नहीं करेंगे फिर क्या होगा, खाना जंगी होगी, लॉ एंड ऑर्डर के मसले बनेंगे, अदालतें पहले ही सियासी हो चुकी हैं, थाने भी सियासी हो जाएंगे, जेलें भी सियासी हो जाएंगी, डाके भी सियासी हो जाएंगे, फिर क्या चाहते क्या है आप, मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरी मेरी एक सुजेशन है मेरे इस वक्त जो ब्रिटिश रूलर है इनके लिए, कि खुदारा जो आईएमएफ से पैसे लिए हैं वो कौम को बाहर निकल के बता दें कि वो कहां गए हैं, माजी के कर्जे कहां गए हैं, फिर बताएं उनको, बजाय उनके जख्मों पे नमक छिड़कने के, जिस तरह हमारे कातर साहब ने फरमाया कि अवाम फ्रॉड लगा रही है, इनको कुछ भी नहीं है, सियासत कर रहे हैं, उन्होंने फरमाया है कि ये जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो महंगाई का शोर डाल रहे हैं, वो उकसा रहे हैं। अगर ये आप अपनी तरफ से आप पढ़े लिखे हैं, आप बर्तानिया भी घूमते रहे हैं, बल्कि लोगों को ये बताएं कि आपके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप नहीं है, ये भी एक अफवाह इस वक्त गर्दिश कर रही है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इज अ ब्रिटिश सिटीजन, तो बाहर निकल के जवाब दें लोगों को, सॉलिड जवाब दें, उन्हें कहें भाई देखें ये आईएमएफ की शरायत की वजह से ये सारा कुछ ये तूफान आ रहा है, लेकिन हमारे लिए आईएमएफ के लिए से पैसे लेने क्यों जरूरी है, और वो जा कहां रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते आप, ये क्यों छुपा के आपने रखी है चीजें, ये क्यों इतनी सीक्रेट है, ये क्यों इतना मुकद्दस है आईएमएफ के साथ डील, ये लोगों को बता नहीं सकते कि वो पैसे कहां जा रहे हैं, ये क्यों नहीं बताते। मेरी दूसरी रिकमेंडेशन है कि प्लीज बाहर आए और कौन को बताएं कि भाई देखें ये आपके पैसा हमने लिया था आईएमएफ से, ये फला फला डिपार्टमेंट में चला गया है, ये फला फला हमने लंदन में प्रॉपर्टी बच्चों की खरीद ली है, मेरे बच्चे ने गाड़ी खरीदी है, ये फला मिनिस्टर की बीवी ने ये खरीदी शॉपिंग की है, ये बता दें लोगों को, तो लोग घरों में चले जाएंगे, इसका सबसे आसान तरीका ये। जो उससे अगली जो मेरी रिकमेंडेशन है वो खास ये है कि एयर कंडीशन कमरों से निकलें भाईजान, इंपोर्टेड सूट पहन के लोगों के सामने जब एयर कंडीशन कमरों से अपने महल्लात में से बैठ के जब बयान देते हैं तो लोग तड़पते हैं, अपने देसी कपड़े पहनकर बाहर धूप में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करें प्लीज, लोगों को पता चले आपका आपका पसीना टपक रहा हो कि हमारी तरह ये बैठे, इंपोर्टेड सूट पहनकर, महंगी घड़ियां पहनकर जब इस कौम का मजाक उड़ाया जाता है तो वो जख्मों पे नमक होता है। मेरी अगली रिकमेंडेशन ये होगी, खुदारा एक और मेहरबानी फरमाएं, अपने और अपने कैबिनेट के बच्चों का अहवाल बता दें। मैं चाहूंगा अगर आप कौम में कुछ रेस्ट इसमें चाहेंगे कि कौम को तसल्ली में आए, तो हर मिनिस्टर के घर की एक वीडियो बनाई जाए और बताया जाए कि ये उसके बच्चे बैठे हैं, इनकी नेशनैलिटी क्या है, ये कहां है, ये क्या कर रहे हैं, देखें अगर कौम पिस रही है तो हम भी आपके साथ पिस रहे हैं, कौम को बताएं आप क्या हैं, आप ब्रिटिश नहीं हैं, कौम को बताएं कि वे ब्रिटिश कॉलोनी नहीं है, प्लीज कौम को ये बताएं, लेकिन ये अपने महल्लात में बैठ के 12 दरियों से बैठ के मुगल शहजादों की तरह इंपोर्टेड सूटों के साथ एयर कंडीशन में बैठ के लोगों के बिजली के बिलों का मजाक उड़ाना,
ये कोई मौजू नहीं, लेकिन इस पे मेरे ख्याल में ना माजी में इस तरह का काम हुआ है ना आने वाले दिनों में होगा। उसकी वजह ये होती है आरजू, इसके लिए बहुत दिल गुर्दे की जरूरत होती है, इसके लिए पाकिस्तानी होना जरूरी है। अगर आप पाकिस्तानी नहीं है तो ये स्टेप नहीं उठा पाए। तीन पार्टियां हैं लूली लंगड़ी, मैं तो उनको नू सियासी पार्टियां कहते शर्म आती है। शहबाज शरीफ साहब चंद घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर पाए गर्मी और ये आपके पोल्यूशन। वो प्रेसिडेंसी प्राइम मिनिस्टर हाउस से निकले तो फॉरन फ्लाइट लेकर चेक इन बैग के साथ आए थे, वापस चले गए अपने महलात में लंदन में। जरदारी साहब ने दुबई में काम कर लिया है, बमाया अपने कैबिनेट के। और तीसरा काला पखरा पार्टी जो है वो चक्कर लगा रही है, मेरे मादरे मिल्लत को तबाह करने पे तुले हुए हैं वो। अब इसमें रिलीफ मेरे जैसा बंदा कहां से ढूंढे, कहां से ढूंढे? अगर आपके पास, मैं आपको देखने, आपके देखने वालों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास कोई इस तक इसका कोई हल मौजूद है, अगर मेरी बातों से आपको को, आप यू हैव अ डिफरेंस डिफरेंट ओपिनियन, अगर आपको पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल कहीं से नजर आता है, कोई एक वाहिद शख्स सवाए हमारे आर्मी चीफ के जिसके पास अनलिमिटेड पावर्स है, कोई और बंदा पाकिस्तान को किसी कुछ कुछ कर, अब तो मुझे उनका भी कुछ करते हुए नजर नहीं आ रहा क्योंकि काफी देर हो रही है मेरे ख्याल में, वो भी अकाउंटेबिलिटी की तरफ इतनी तवज्जो नहीं है उनकी। उनको भी चाहिए था कि ईसीएल लिस्ट बड़ी करते, लोग फ्राई करके पीपल्स पार्टी वाले दुबई किस तरह गए, जा रहे हैं आज भी जा रहे हैं, इनकी मर्जी से जा रहे हैं। लेकिन देखें, कोई किसी को पता हो, कोई कोई नजर आता हो, उम्मीद हो, तो मेरे जैसे ना उम्मीद आदमी को प्लीज कोई अच्छी खबर दे। मेरे कान तरस चुके हैं, मैं वेट कर रहा हूं यहाँ बैठ के कि मेरे मादरे मिल्लत की तरफ से कोई अच्छी खबर आए। जब भी लेकिन देखा सर है, इसके लिए, पाकिस्तानी होना नहीं, सिर्फ इंसान होना ही काफी होगा, इनमें तो इंसानियत ही नहीं। ये तो कह रहे हैं कि कोई परेशान नहीं है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लोग अपने जेवर बेच रहे हैं बिजली के बिल जमा कराने के लिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि नहीं कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही शोर मचा रखा है मीडिया ने। बिल्कुल आपने बिल्कुल सही फरमाया। देखिए मैं हैरान हूं। और एक और यहाँ पे बात बताना चाहूंगा आरजू, जो इस वक्त जो मुबस्सरीन है वो बातें ये कर रहे हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इट हैज ऑलरेडी बीन फेल्ड। इनका जो हुकूमत का इस वक्त जो भी चला रहा है बौखलाहट में, क्योंकि इसमें जो कुछ चंद हफ्ते जो हुए, मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि ये जो करंट कैबिनेट आई है इट्स नॉट द टॉप टीयर ऑफ टेक्नोक्रेट्स, सेकंड लेवल ऑफ बी क्लास काइंड ऑफ टेक्नोक्रेट को लाया गया, जिनके पहले ही क्वेश्चन मार्क थे, जिनपे एक दो मिनिस्टर जो पीटीआई के दौर में निकाले गए उनपे पहले ही करप्शन के चार्जेस मौजूद थे, और इन्होंने गवारा नहीं किया कि उसको क्लैरिफाई किया जाए। और जो रूमर्स उड़े थे कि काकड़ साहब ब्रिटिश सिटीजन है, उसके बारे में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं की, और जो आपस की लड़ाइयां हैं इनकी वो भी सामने नजर आ रही है। तो बी क्लास किस्म की जो तजर्बा किया गया था, मुबस्सरीन इस वक्त कह रहे हैं जो मुबैना तौर पर कि ये तजर्बा फेल है और बौखलाहट की निशानी है। स्टॉक मार्केट 2500 नीचे नेगेटिव गई है, 2500। तो स्टॉक मार्केट जो है कंप्लीटली इन डिक्लाइन है। आईएमएफ जो आपके मालिक हैं इस वक्त, आपने मुल्क तो बेच दिया है, उनको रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आप हमारी दरखास्त मंजूर करें तो एक कौम जो है वो किस्तों में बिल जमा करा दे, उन्होंने अभी तक इसकी अप्रूवल नहीं दी। और हमारे जो लोगों ने, कुछ कैबिनेट के किसी मेंबर ने फरमाया है कि हम बहुत बुरी तरह फंसे हैं आईएमएफ के सामने, क्योंकि हमने अभी अगली किस्त भी लेनी है, बच्चे टोरंटो में बिल्कुल जो है उनको राशन महंगा हो चुका है, भारत ने चावल जो है वो बंद कर दिए हैं देने, तो बच्चे चावल पुलाव बड़े शौक से खाते हैं टोरंटो में, तो वो अगली किस्त हमें चाहिए, उनके कपड़े और कुछ प्रॉपर्टी मजीद खरीदनी है, तो प्लीज आप बिजली के बिल जमा कराएं ताकि हम आपको दुआओं में याद रखें। लेकिन ये बदनसीबी है, बदनसीबी है। लेकिन सर मुझे तो, मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगी कि मुझे कल रात को ही जो है, हमारे एक फैमिली फ्रेंड है और बड़ा मैं उनको समझदार और अकलमंद समझती थी, उन्होंने कल मुझे फोन किया, और वो वैसे पाकिस्तान में भी नहीं रहते, उनका मगर ये कहना है कि मेरे बारे में कि मैं इंडियन एजेंट हूँ, इसी वजह से मैं पाकिस्तान की बुराइयां करती हूँ, और इसीलिए जो है इस किस्म के शोज होते हैं जिसमें पाकिस्तान पे स्टेट पे डायरेक्ट हमला होता है, तो ये उनका कहना है। तो सर लोग इस किस्म की बातें कर रहे हैं सर, मुझे आरजू, मुझे मुसलसल तीन अल्फाज इस्तेमाल किए जाते, मैंने आज तक कभी नहीं कहा कि मुझे कौन कौन सी किस किस्म की थ्रेट्स दी जाती। मैंने आज तक आपको नहीं कहा गया कि मुझे कितने लोग कहते हैं कि तुम ये रा का एजेंट है। मेरा बिजनेस पार्टनर, मेरा भाइयों से ज्यादा अजीज, मेरा मेरी जिंदगी का हिस्सा है वो, मैं समझता हूँ मेरे कनेक्टेड विद द डीएनए एंड स्पिरिचुअली, वो सरदार है, सिख है, मैं जहां जाता हूँ हर जगह मेरे साथ होता है।
कई दफा मुझे इन्होंने कहा कि ये राका एजेंट है, ये पैसे लेता है, लेकिन किसी के कहने से क्या होता है, मैं I'm careless, मुझे किसी के कहने से कुछ नहीं होता। और दूसरी आरजू, एक और बात बताऊं, जब ज्यादा लोग इस तरह की बातें करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपकी बात असर कर रही है, आप बयानियां जो बयान कर रही हैं उसमें वजन है, और लोगों को जो जो तकलीफ हो रही है, असल हकीकत सच हमेशा कड़वा होता है। मैं देखिए, मैं हमेशा इंडियन मॉडल का मैं फैन रहा हूं, आज भी फैन हूं। कोई भी मुल्क डेवलपिंग जिनके साथ हमारा डीएनए मिलता है, हमारी आदतें मिलती हैं, हमारे खाने पीने मिलते हैं, अगर वो तरक्की कर रहा है तो उसको अप्रेज करना चाहिए। और मैं अगर पाकिस्तानियों को कहूं कि उसकी कापी करें और खुदा रहा अगर नेशनलिस्ट बन जाए, तो अगर मुझे इसमें ये कहें कि ये राह का एजेंट है, तो ठीक है, कहें राह का एजेंट है, राह वाले इंसान नहीं है। क्या राह वाले, मैं बल्कि यहाँ वॉशिंगटन डीसी में कई लोगों को मैं जानता हूँ जो डिप्लोमेट रहे हैं, बड़े बड़े अच्छे डिप्लोमेट हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने मैंने आम केयरलेस, मैं तो अमेरिकन हूं उसमें, और गॉड ब्लेस, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करके कहता हूँ कि मुझे जिस तरह इन्होंने निकाला वहां से मुहाजिर करके, दो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रियों में, अगर आज मैं वापस जाऊं तो मुझे बगैर सिफारिश के चपड़ासी ना रखे उस मुल्क में कोई। और गॉड ब्लेस अमेरिका जिसने मुझे संभाल लिया है, मैं तो खुद अमेरिकन हूं, लेकिन दुख है, चीख रहा हूं, चीखता रहूंगा, क्योंकि वॉशिंगटन डीसी तक चीखें आ रही हैं 25 करोड़ लोगों की, और मुझे आ रही हैं, सुनाई दे रही हैं। और मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी गुजारना, जो गुजारना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती, मुझे तो मुझे क्या प्रॉब्लम, अगर मैं मुंह दूसरी तरफ कर लूं तो क्या फर्क पड़ता है कि वहां पे क्या हो रहा है। जरदारी साहब दुबई चले गए हैं तो मेरी सेहत पे क्या असर है, लेकिन दुख हो रहा है कि 76 साल से झोड़ रहे हो मेरी मादरे मिल्लत, 76 साल से। बिल्कुल। और सर अभी इस वक्त भी जो केटे का गवर्नमेंट, ऐसा लग रहा है सारे अपने अरमान पूरे कर रहे हैं, कभी भाषण दे रहे होते हैं मीडिया को बुलाकर प्राइम मिनिस्टर साहब, और हर चीज से इनकार कर रहे होते हैं, और कभी कोई किसी से मुलाकातें कर रहे हैं, कोई काम करते जो इनका काम इलेक्शन करवाएं और निकले वो करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। परवेज इलाही साहब को रिहा किया गया, और अभी उनका शुक्राना कंप्लीट नहीं हुआ था कि उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया, तो नहीं उससे क्या आरजू, देख रहे हो मैं आरजू एक बल्कि बात भूल गया हूं, आप? देखिए किस खूबसूरती के साथ आज मेरे मुल्क को फिर तबाह किया है पिछली पिछली गवर्नमेंट, 16 महीने वालों ने। हमारे इसहाक डार साहब ने शुगर एक्सपोर्ट करने का परमिशन उन्होंने दी थी, सारी शुगर बाहर भेज दी गई है। आज क्या हो रहा है, ब्राजील से 220 रुपए के रेट से शुगर को इम्पोर्ट किया जा रहा है। कोई पूछने वाला है इनसे, कोई पूछ सकता है बिल्कुल कि डॉलर है, पेट्रोल है, डीजल है, चीनी है, दवाइयां हैं, कोई कोई पूछने वाला, किसी को सर, एहसास हो कि ये क्या कर रहे हैं। परवेज भाई साहब के पास बहुत पैसा है, वो आधे पंजाब के मालिक है, उनका बच्चा जिस तरीके से पाकिस्तान से क्या, सारी दुनिया को पता है, ये कोई नई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उनको उनके मजे की बात बताता हूँ, मुझे किसी ने बताया था अडयाला जेल में जो सुपरिटेंडेंट जेल है उनका भी, वो भी उनका अजीज है, और उसके घर से खाना बन के आता है उनके लिए। इनके लिए ये जेलें थोड़ी है, ये तो हॉलीडे इन है, मार तो 25 करोड़ लोग खा रहे हैं। अगर जेलों में जो जो सहूलतें इनको मिलती हैं, खुदा रहा वो अगर वो 25 करोड़ लोगों को मिल जाए तो वो शुक्र करेंगे जेल जाके। ये कौन सी जेल इनका पकड़ा गया, ये तो नवाब इब्ने नवाब है भाई, इनका ये मुगल शहजादे हैं। लेकिन दुख है इस बात का कि अकाउंटेबिलिटी करने वाला बिल्कुल मुंह दूसरी तरफ करके पता नहीं क्या बात है, क्यों चुप है, क्या देख रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहा है। श्रीलंका पहुंच चुके हैं भाईजान, आप श्रीलंका पहुंच चुके हैं, खुदा रहा अब कुछ कुछ करें, कुछ सर करें। अब तो यहाँ पे सर क्राइम रेट भी बढ़ेगा, लोग मारकाट भी ज्यादा करेंगे, और अभी चाइनीज कंपनी एक है CMEC, उसने जो थर के इलाके में काम करी, उसने कहा है कि जी $50 मिलियन पाकिस्तान अदा करें, नहीं तो हम 10 सितंबर के बाद जो है काम करना बंद कर देंगे। तो चले जाए, क्या फर्क पड़ता, पहले आपके हंडाए बंद जा चुका है, यहां से हंडाए वालों ने, शेल वालों ने बिजनेस बंद कर दिया है, एयरलाइनें जा ही नहीं रही, सिर्फ जब तक वीजा मास्टर तक आप वीजा मास्टर पे आप टिकट लें तो वो आप देते हैं, वरना वो लेते ही नहीं है रुपए आपके आप मेरा, लेकिन किसी के सेहत पे असर। दूसरा यहाँ पे आज मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इस वक्त फ्रॉड के तरीके क्या है। फ्रॉड के तरीके हैं, देखें जो कहते हैं बिजली चोरी हुई, बिजली चोरी नहीं हुई है, बिजली बिकी है, फ्रॉड हुआ है इस मुल्क के साथ। 700 रुपए की बिजली इन्होंने बेची है, ये बिजली हवा में नहीं उड़ती, पैसे लिए जाते हैं, ये सारे पैसे लंदन आए, और सिर्फ बिजली के ऊपर नहीं है बिल्कुल, ये पीएसओ पाकिस्तान स्टेट ऑयल के भी खाबे है, रेलवे का बहाना है जिसमें खसारे में जा रहा, खसारे में नहीं जा रहा, लूटा जा रहा होता है, ये खसारे में नहीं जाती है, लूटी जाती है। आपकी जजेस की अपॉइंटमेंट, एक करप्ट सिस्टम, देखें वो
कौन करता है वो जजेस की अपॉइंटमेंट, देखें जरा। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से जिस तरह मैंने आपको चीनी की मिसाल दी, फिर एक और है कि जो वजीर बनता है उसकी बीवी उसी बिजनेस में होती है, ये इसके ऊपर भी आर्टिकल लिखे जा चुके हैं, छोटे भाई उसी बिजनेस में होते हैं जहां जो वजीर साहब होते हैं, एमएनए जिस तरीके से ठेके देते हैं, एमपीए जिस तरीके से ठेके देते हैं और उसमें से अपना अपना किकबैक लेते हैं, कोई नई बात कर रहा हूं मैं, आरजू हर एक को पता है, रोकता क्यों नहीं है? नाम इसका इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान क्यों रखा हुआ है? इस्लामिक रिपब्लिक, इस्लामिक रिपब्लिक में इस तरह होता है? इस्लाम इजाजत देता है इस तरह कि अपने वतन को, अपने मादर मिलत को लूटो, भंबोड़ो दिन रात उसको? तो ये दर हकीकत इस वक्त जो कुछ भी है, मुझे गिला इस बात पे है कि जो लोग जिन्होंने कस्में खाई हैं शहादत की और जिन्होंने कस्में खाई हैं इस मुल्क को बचाने की, क्या वजह है उनको, क्यों रोक, उनको कौन रोक रहा है, वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, वो इस उस वक्त का इंतजार क्यों कर रहे हैं जब खत्म हो जाए हर चीज, क्यों कर रहे हैं सर? मैं बता रहा हूं 16 सितंबर, अच्छा और एक और बात मैं बताइए आपको, 16 सितंबर मेरे ब्रिटिश रॉयल जज साहब जो है, जो रॉयल ब्रिटिश जो पैदा हुए थे पाकिस्तान में रूल करने के लिए, वो जा रहे हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 4 फैसले मैंने रोक के रखे हुए हैं, दिल थाम के बैठना, वो 4 फैसले मैं करके जाऊंगा मैं वो। और दूसरा उनको एतराज है कि मेरे एजाज में एशाइये क्यों नहीं सुना, यहाँ भी प्रोग्राम उनको उन्होंने किसी को बताया है कि मेरा जो है एशाइये और जो बैंड बाजे और मुझे जिस तरह बारात के साथ क्यों नहीं रुखसत किया जा रहा, कि वो उस पर भी उन्हें एतराज है, उन्होंने कहा कि मैं 4 फैसले ठोक के जाऊंगा ताकि लोग सदियों आने वाले सदियों, मेरा नाम तारीख के औराक में सुनहरी लफ्जों से लिखा जाए, लोग याद करके कहें कि वाकई। मगर लेकिन सर वो जो आरिफ अलवी साहब हैं सदर हमारे, उन्होंने भी कहा उनकी सैलरी 2 बार बढ़ाई जाए, दो बार बढ़ाई गई है, और सबसे बड़ी बात है कि उनके भी कुछ घंटे रह चुके हैं और उनका जो अगले सेक्रेटरी साहब है वो चले गए हैं वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में, और कोई आ ही नहीं रहा है, उन्होंने वहां पे जूनियर एक सेक्रेटरी को प्रमोट करके अपना सेक्रेटरी रखा है, और सबसे बड़ी बात है कि उनसे मिलने भी कोई नहीं जा रहा, और उनके एजाज में भी कोई एशाइये नहीं दिए जा रहे, लेकिन क्या करें फिर इसमें। आरजू आप ही कभी मेहरबानी फरमाए मुझ पर तरस करें, कोई खबर मुझे अच्छी दें चाहे झूठी हो, कोई एक आध अच्छी खबर दे दें। सर मैं अच्छी खबर बता रही हूँ, एक सेमिनार करवाया गया आज गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें सारे हाई कमिश्नर या जो एम्बेसी के लोग थे उनको बुलाया गया, यूरोपियन एम्बेसी के और डिफरेंट, और उनसे कहा गया है कि आप अपनी कंट्री वालों से कहें या इन्वेस्ट करें। अब वो पता नहीं हंसे वो लोग या रोए वो मुझे नहीं पता, लेकिन उनसे ये कहा गया है। उसके अलावा सर मोहम्मद बिन सलमान यहाँ पे 4 से 6 घंटे के लिए आ रहे हैं, अब पता नहीं उनकी जेब कटेगी या नहीं कटेगी, वो अब उसके बारे में मेरे बच्चे जो है लौंडे लपाड़े जिनको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है पूरी जनरेशन, वो कह रहे हैं वो इमरान खान को लेने आ रहे हैं, भैया वो इमरान खान को ले जाएंगे जहाज में 7 एयर कंडीशन में बिठा के ले जाएंगे, सर्वर्स पैलेस में रखेंगे वहां। ओ खुदा का नाम लो यार, जो घड़ियां आपने उनकी बेची हैं, जो जलील सऊदी अरेबिया को आपने जो किया अपने दौर में, वो बल तो उनका बनता है क्या आना? ये तो बड़ी मिन्नतों के साथ सुना रहील शरीफ साहब ने, और इस तरह के लोगों ने कहा यार आप भारत जाओगे यहाँ चाहे चाहे एक घंटा ही रुक जाओ, वो सोडा पानी पी जाओ यहाँ से, यार कुछ हम शक्ल दिखाने के तो रह जाएगा। वहां पे G20+ हो रही है और आपका क्या हो रहा है? आप -G20 हो रही है आपकी। लेकिन देखें MBS साहब आ रहे हैं, उनके बारे में कई बातें हो रही हैं कि वो यहाँ पे रिफाइनरी की बात करेंगे, ये करेंगे, आपकी बात तो ठीक है, उनकी भी जेब पे नजर है, और तो कुछ भी नहीं है, और तो कुछ भी नहीं हो सकता है, जाती दफा को घड़ी उनकी गिर जाए। सर हमारे तो लोग ये भी कर चुके, आपको याद होगा कुछ साल पहले वॉलेट उठा लिया था पता नहीं किसी इवेंट के अंदर एम्बेसडर का या किसका, वो भी एक किस्सा चला था भाई। यहाँ यहाँ पे तो आपको सैयद अर्दगान की वाइफ के जो हार था और भरी पड़ी है, किस किस का बताएं, किस किस का बताएं। मुझे एक आपके डिप्लोमेट ने कहा था कि मैं अब उस वजीर आजम का नाम नहीं लूंगा, उसने कहा आखिरी इशाया था, उसने बुलाया मुझे और साइड पे ले जाकर कहता यार कि मैं आज प्लीज ये मेरे बच्चों के पासपोर्ट इनके वीजे लगा देना। मैं अब सरप्राइज, उस डिप्लोमेट ने मुझे खुद बताया इन पर्सन, उसने कहा कि ये लेवल है ऑफ योर प्राइम मिनिस्टरशिप। तो मैं फिर क्या इसका मैं कहूँ, अफसोस होता है आरजू, अपने आप को छोटी छोटी चीजों के साथ तजलील कर लेते हैं अपनी और अपने मुल्क की, फिर कहते हैं कि पासपोर्ट नीचे से 4th नंबर पर है, वाय अफगानिस्तान के साथ है और वाय फला के साथ है, देख तो ले कर क्या रहे हैं।
है। बिल्कुल ऐसा ही है सर, जाके प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि जी बिजली के बिल कोई खास नहीं है, मेरे कमरे का एसी बंद कर दें, तो वहां पर यही हाल होगा। मतलब वो किस किस्म के मजाक कर रहे हैं कि मैं हैरान हूं उनको सुनकर। लेकिन क्या सर, देखते हैं क्या होता है। लेकिन हम साथ साथ सर नेक्स्ट टाइम होपफुली G20 पे भी बात करेंगे, और बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है वो, और उसके ऊपर भी यकीनन लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो हम एक दो दिन में जैसे G20 का जैसे जैसे न्यूज आएगी तो हम बिल्कुल आपसे कनेक्ट होंगे। थैंक यू सो मच सर, बाय बाय, थैंक्स फॉर थैंक्स। ज्वाइनिंग।